हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक गुरु जी, मेरा नाम है दीपक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये DRDO के लिए हमारी DRDO स्पेशल MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम लास्ट 4 वीडियोस में 46 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो DRDO में जो वैकेंसी आई है, वह आपके लिए गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड है। आपको किसी भी तरह ये नौकरी लेनी है, बस ये खुद से वादा कर लीजिए कि मुझे कैसे भी सिलेक्शन लेना है इस बार, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि दोस्तों बैलेटेड से मोस्ट ऑफ द केसेस वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं, तो इसकी वजह से भी ये वैकेंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें कैसे भी करके इस वैकेंसी में एक सीट अपने लिए, जो भी स्टूडेंट है उसके लिए बोल रहा हूँ, एक सीट अपने लिए किसी भी कंडीशन में लेनी ही है। तो उसके लिए ये जो मैं MCQ करा रहा हूँ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। और आप नॉन टेक के लिए साइंस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो साइंस जो आप पढ़ेंगे वो भी अगर आप जो अपना के ITI के साथ में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, अगर वहाँ से भी करेंगे तो वो भी आपके हेल्प ही हेल्पफुल रहेगा। और जो बाकी अदर चैनल पे लोग तैयारी करा रहे हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपकी जो ट्रेड थ्योरी की तैयारी मैं आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा ही दूँगा। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क के तौर पर दिया था, तो कई लोगों ने इसके जवाब दिए हैं, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अ बेल्ट मेड टू होल्ड पार्ट्स ऑफ अ बेल्ट मेंट इन प्रॉपर अलाइनमेंट अंटिल द फाइनल बेल्ट आर मेड इज कॉल्ड। अंतिम बेल्ट किए जाने तक उचित संरेखण में बेल्ट मेंट के हिस्सों को पकड़ने के लिए बने बेल्ट को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रायल बेल्ट, टैग बेल्ट, या टिक बेल्ट, या टैग बेल्ट। दोस्तों जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, टेक बेल्ट हम उसको कहेंगे। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें टेक बेल्ट लगाना है, टेक बेल्ट नहीं लगाना है जल्दी में। कई लोग क्या करते हैं, बस पढ़ा और फट से टेक कर दिया टेक बेल्ट। टेक बेल्ट ने टैग बेल्ट, TAC के टैग बेल्ट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है, आई जोड एंड चारपी मशीन्स आर कंसर्न विथ इजोड या यजोड तथा चारपी मशीनों का संबंध किससे है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, ये हमारी जो मैकेनिज्म है, ये यूज़ होता है हमारा इम्पैक्ट टेस्टिंग में। तो हमारा ऑप्शन जो है, हमें फर्स्ट ऑप्शन ए में मिल जाता है, हमें इम्पैक्ट टेस्टिंग प्रभाव जांच के लिए हम आज जोड़ चारपी मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें वर्कशीट को रख के ऊपर से लोड डाला जा इम्पैक्ट डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका टेस्ट की तरफ से डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में से है, तो वहाँ से भी आपको वो हम टॉपिक एक दिन अलग से क्लियर कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, द स्लैग प्रोड्यूस इन SAW यानी कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में कौन सी जो स्लैग प्रोड्यूस होती है वह क्या अच्छा है। द स्लैग प्रोड्यूस इज सॉ इज गुड। SMAW में उत्पन्न स्लैग एक अच्छा खालिस्तान है। ऑप्शंस मिल जाते हैं हम, अब कंडक्टर, विषमवाहक, इंसुलेटर, या बॉन्डिंग एजेंट, या नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है स्लैग जो है वे हमारे एक अच्छे इंसुलेटर का कार्य यहाँ पर करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। द कलर ऑफ द सिलेंडर कंटेंट आर्गन गैस इज। दोस्तों कलर कोडिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछा जाता है, चाहे वह कलर कोडिंग से हो या उसकी सिलेंडर में गैस की मात्रा के प्रेशर से हो, या फिर वो फ्लेम से हो, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या कार्बोराइजिंग फ्लेम, या फिर उनके टेम्परेचर, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इसका भी हम बिल्कुल टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी पूछा है हमसे कि आर्गन गैस के सिलेंडर का रंग जो है कैसा होता है, किस रंग से रंगा होता है। तो आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि पिकॉक ब्लू कलर से या फ्रोजी कलर से जो है हमारा आर्गन गैस सिलेंडर पोता होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेफर्ड शील्डिंग गैस फॉर MIG वेल्डिंग ऑफ कॉपर। अगर हम कॉपर की वेल्डिंग कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, MIG से,
तो हमें जो शील्डिंग गैस के रूप में हम कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस मिल जाते हैं आर्गन, हीलियम, आर्गन तथा हीलियम दोनों, ना आर्गन और ना ही हीलियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, हीलियम गैस का हम जो है दोस्तों प्रयोग करते हैं कॉपर की वेल्डिंग अगर हम कर रहे हैं, MIG वेल्डिंग, MIG यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, व्हाट इज़ यूज्ड टू चेक शेप एंड साइज ऑफ बेल्ट बीड, बेल्ट बीड की आकृति तथा आकार की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेल्ट इंडिकेटर, बेल्ट डायल, बेल्ट गेज या बेल्ट टेम्पलेट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए इसको। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बेल्ट गेज का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट, हर्ट्ज जो है दोस्तों किसकी यूनिट है, तो वह हमारी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की यूनिट है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है एन एयर कूल्ड टिक वेल्डिंग, हम एयर कूल्ड टिक वेल्डिंग कर रहे हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टॉर्च कैन कैरी मैक्सिमम करंट, एयर कूल्ड वेल्डिंग करते समय हम TIG से मतलब मैक्सिमम कितना करंट हम ले सकते हैं, वह हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 या 500 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एयर कूल्ड कर रहे हैं तो हम 200 एम्पियर तक करंट का इनका प्रभाव हम दे सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, द इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा इज डिटरमाइंड बाय, प्लाज्मा की तीव्रता तथा वेग किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप ऑफ गैस यूज, डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड वर्कपीस या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है फ्लक्स इज नीडेड व्हेन यूजिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, जब वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो फ्लक्स की आवश्यकता होती है। हमसे पूछ रहा है कि जब कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस मिल जाते हैं टिग, मिग, मैग या SAW। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या निकल के आएगा, यहाँ पर समर डार्क वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकिल नॉर्मली प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, जनरली स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकिल का जो परसेंटेज है वह कितना पाया जाता है। ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं ABCD, आप देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करूँगा। 57 नंबर, तो जो हमारा जनरली स्टेनलेस स्टील की जो वो होता है मेटलर्जिकल, उसमें जो है 80% क्रोमियम, 8% निकल जो हमारा पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉर्मली फास्टर टू डू टिक और मिग, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर तेज़ी से की जा सकती है। हमसे पूछ रहा है TIG और MIG। ये भी दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, MIG वेल्डिंग जो है हम तीव्रता से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 59 नंबर, थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स, थर्मिट वेल्डिंग में मूलतः क्या शामिल है। ऑप्शंस मिल जाते हैं मैग्नेटिक एक्शन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन या मैकेनिकल रिएक्शन। तो आप सभी जानते हैं थर्मिट वेल्डिंग जो है हमारी डिपेंडेंट है केमिकल रिएक्शन पर। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दोस्तों एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बनाकर केमिकल रिएक्शन किया जाता है, फिर उसकी सहायता से जोड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन, AWS स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन मिल जाते हैं अमेरिकन वेल्डिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन फॉर वेल्डिंग स्टैंडर्ड या अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिकन वेल्डिंग
सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा है द फर्स्ट रन डिपॉजिट इन अ मल्टी रन बेल्ट इज कॉल्ड, बहु जोड़ बेल्डिंग में जमा हुआ पहला जोड़ क्या कहलाता है, हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस मिल जाते हैं बेस रन, फ्यूजन रन, रूट रन या इनिशियल रन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा रूट रन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है द एज ऑफ थिक सिलेंड्रिकल सेक्शन कैन बी वेल्डेड विदाउट एज प्रिपरेशन बाय, मोटी बेलनाकार खंडों के किनारों को किनारे की तैयारी किए बिना किसके द्वारा बेल्ड किया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। वह बेल्डिंग प्रोसेस कौन सी, ऑप्शंस मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम बेल्डिंग, फ्रिक्शन बेल्डिंग, प्लाज्मा बेल्डिंग या ऑटोमिक हाइड्रोजन बेल्डिंग। करेक्ट आंसर हमारा जो है वह हो जाएगा फ्रिक्शन बेल्डिंग के द्वारा, बगैर जो है एज तैयार की हम बेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है हमसे द टेस्टिंग मेथड विच मेक्स यूज ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, जहाँ पर जांच के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, हमसे पूछ रहा है वह कौन सा टेस्ट है। ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट या माइक्रोग्राफिक टेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट में जो है हम मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज प्लाज्मा आर कटिंग प्रोसेस इन दिस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन, हमें डायग्राम दिखाया गया है और हमसे पूछ रहा है कि प्लाज्मा आर काटने की प्रक्रिया दर्शाता है इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोड है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे हम जब भी प्लाज्मा आर कटिंग करेंगे तब हम वहाँ पर टंगस्टन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और पूछा है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग प्रोसेस शो इन फिगर गिवन बिलो, नीचे दर्शाए गए चित्र में हमें कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया बताई गई है। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और आज जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें अपना स्कोर की हमने आपके कितने करेक्ट हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कंटिन्यूसली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।